What is this now, by the way? Any basic level? Huh? Any level of water level? What is this? Taking off one data from what is this? Taking this. Anyone? Do you have any idea about वो यहाँ पे आता है क्लाउड. ओके, एप्लीकेशन के बाद आपका आता है क्लाउड. तो क्लाउड किसी भी कंपनी का हो सकता है. बेसिकली अभी जो करंट मार्केट एनालिसिस से 80% जो क्लाउड है वो अंडर आता है AWS के अंदर, Amazon सर्विसेज के अंदर. उसके बाद AWS, उसके बाद गूगल क्लाउड, उसके बाद एप्पल क्लाउड, IBM का क्लाउड, ठीक है, उसके बाद अलग अलग क्लाउड. तो क्लाउड हम यूज करेंगे बेसिकली कुछ प्रोसेसिंग के लिए, माइनर प्रोसेसिंग के लिए, या फिर कुछ स्टोरेज करने के लिए. अभी क्या स्टोर करेंगे उसमें? तो कुछ डेटा स्टोर करेंगे जो कि डिवाइसेस से आ रहा है. अभी कोई डिवाइसेस से डेटा जा रहा है, किसी क्लाउड को जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा? जैसे मैंने कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करनी है, ठीक है, कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करनी है, मतलब मुझे क्या करना है, उस डिवाइस को नेटवर्क में लाना है. अगर किसी डिवाइस को नेटवर्क में लाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? उसको मेरे राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको इंटरनेट प्रोवाइड करना, राउटर को मेरी इंटरनेट होनी चाहिए, उसको मैं अपना डिवाइस लगाऊंगा, राउटर का कोई पोर्ट ओपन करूंगा, ओके, जहां से मेरा जो भी डिवाइस है वो डेटा उस पोर्ट से बाहर की दुनिया का जो भी इंटरनेट है उसको डेटा ट्रांसफर कर सके. इंटरनेट बेसिकली क्या है? शेयरिंग ऑफ डेटा. ओके, बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है वायर राउटर और गेटवे, और उसके हिसाब से वो उस डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. तो आप उसमें अपना एक डिवाइस जोड़ देंगे, जस्ट लाइक दिस कंप्यूटर विल ऐड योर ओन डिवाइस. टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, कोई और दूसरे डिवाइस हो सकता है, ठीक है. तो इस तरह काम करता है. तो वो जो डिवाइसेस में है ना, यहाँ पे आपके आइदर इनपुट आउटपुट कुछ सेंसर्स आएंगे. वो सेंसर्स क्या करेंगे? कनेक्टिविटी से आपके डेटा को क्लाउड पे भेजेंगे. अभी कनेक्टिविटी कौन सा हो सकता है? आप तो मोबाइल सब लोग यूज करते हो, मोबाइल में इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है? वो बाहर से डेटा किसी उनके क्लाउड पे पब्लिश कर रहा है. हमने APIs की हेल्प से क्या किया है, वहां पे कम्युनिकेट किया है अपने एप्लीकेशन से API की हेल्प से. वो जहां पे भी ओपन वेदर API का डेटा स्टोरेज हो रहा है वहां से कम्युनिकेट किया है, वहां कितना टेम्परेचर है वो निकाला है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को पब्लिश कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है. इसका और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे साइड में, ये दिखा, ये एक स्टूडेंट ने यूजर इंटरफेस बनाया था. ये एक्चुअली क्लाउड है. थिंगस्पीक का नाम सुना है आपने? जैसे मैटलैब का नाम सुना है? मैटलैब सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जैसे गूगल का फायरबेस वगैरह है, AWS है, उसी तरह मैटलैब भी एक क्लाउड है. तो ये मैटलैब का क्लाउड का कुछ डेटा है, ठीक है. आप अभी अगर मुझे कुछ डेटा पब्लिश करना है, ओके, सो हियर वी टीच 9 कोर्सेस, 9 स्ट्रीम्स, ओके, फॉर यू पीपल. The major thing for civil and other people who might be thinking of design and all, design concepts and all, we have a course called Product Design and Development, wherein we will be teaching you the basics of design, the basics of product development, the basics of engineering, and some supportive software. Okay? It is not like you will be given only the civil background. It is concerned with product. Product can be anything. Okay? Don't come with a limited barriers like I would only be learning civil part. I would only be learning the computer science part. No. Okay? So how that is developed, whatever is done, so we could learn from them, see how it is working, how it is designed, what are the parameters required, all the things. So the next is the paint board, where we would know how the painting is done in the automobile industry. Okay? There is one chassis there, Tux chassis. Does anybody see the Tux chassis? Anybody see it? Which needs to be ready. Okay? This machine is right for the accuracy what is kept on. Okay? But then we need to design, we need to have a drawing ready
and then vary here and get the same output what is on the screen of the machine. That is computer machine. Okay? This is a laser engraver or a laser cutting machine. तू कुछ आ रहा है कहीं सही पर कहीं